विश्व आदिवासी दिवस पर शुक्रवार को बांसवाड़ा में सांसद राजकुमार रोत ने कहा कि भील प्रदेश जरूर बनेगा। बीते 5 साल में देश भर में सरकारी प्रोजेक्ट, गोल्ड माइन, टाइगर प्रोजेक्ट, पावर प्लांट के कारण 4.5 लाख आदिवासियों को पलायन करना पड़ा है, ये सरकारी आंकड़ा है। बांसवाड़ा में विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासी परिवार संस्था की ओर से जिला स्तरीय कार्यक्रम खेल मैदान में आयोजित किया गया। बारिश के कारण कार्यक्रम 3 घंटे देरी से शुरू हुआ, बावजूद इसके बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग पहुंचे। लोग आदिवासी लोकगीत गाते नाचते हुए पारंपरिक वेशभूषा में आए थे। कुछ युवाओं ने हाथ में तीर कमान ले रखे थे। दोपहर 2 बजे बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत कार्यक्रम स्थल पहुंचे। सांसद का मंच पर पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत असम के सांस्कृतिक दल से प्रस्तुति देकर की। सांसद राजकुमार ने कहा कि असम की कल्चरल टीम को डीजे की जरूरत नहीं पड़ती, यही आदिवासी कल्चर है। सांसद रोत ने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ ने 1994 में की थी। उस वक्त मैं 2 साल का था। यूएनओ ने इस दिवस की घोषणा इसलिए की क्योंकि पूरी दुनिया में आदिवासी समुदायों, जल जंगल जमीन, आदिवासी संस्कृति, आदिवासी धर्म परंपराओं और रीति रिवाज को खत्म किया जा रहा था। आदिवासियों के साथ अन्याय और भेदभाव हो रहा था। रोत ने कहा कि आदिवासी दिवस हमारे त्योहारों होली दिवाली से भी बड़ा त्योहार है। हमारे इलाके में 2015 से संगठन ने काम किया, संघर्ष किया। 2015 तक यह दिवस भारत के किसी भी कोने में नहीं मनाया जाता था। आदिवासी परिवार संगठन ने आदिवासी दिवस मनाने की शुरुआत की। डूंगरपुर जिले में हमने 2016 में आदिवासी दिवस मनाने के लिए प्रशासन से मैदान मांगा, लेकिन प्रशासन ने कहा कि ये दिवस नहीं मना सकते। इसके बाद हमने गोकुलपुरा में निजी जमीन पर आदिवासी दिवस मनाया। 9 अगस्त 2018 में डूंगरपुर जाम हो गया, लाखों लोग आदिवासी दिवस मनाने जुटे। तत्कालीन वसुंधरा सरकार तक मैसेज गया और उसी दौरान वसुंधरा सरकार ने इस दिन ऐच्छिक अवकाश की घोषणा की थी। आदिवासी दिवस मनाया जाना गोविंद गुरु महाराज की मेहरबानी है, मावजी महाराज ने समाज को जागृत किया। सांसद ने कहा कि 2019 में राजस्थान विधानसभा में हम 2 विधायक थे, हमने तत्कालीन गहलोत सरकार पर दबाव बनाया। उसी साल तत्कालीन गहलोत सरकार ने राजकीय अवकाश घोषित किया। कुछ लोग कहते हैं कि हमने क्या किया, हमने ये किया, आज आप आदिवासी दिवस की छुट्टी लेकर घर में बैठे हैं। अगर यह विचारधारा न होती तो दूसरी पार्टी के लोग आपको कभी आदिवासी दिवस का अवकाश नहीं देते। राजस्थान ने पहल की तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लोगों ने भी मांग की और वहां भी आदिवासी दिवस का अवकाश हुआ। रोत ने कहा कि 1995 से जो भी सरकारें रहीं उनकी जिम्मेदारी थी कि आदिवासी दिवस मनाएं, आदिवासियों को उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में बताएं, उन्हें आदिवासी आरक्षण का महत्व बताएं, आदिवासियों की योजनाओं केंद्र से मिलने वाला पैसा, राज्य से मिलने वाला पैसा, इन सब की जानकारी दें, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। आज राजस्थान में भाजपा सरकार है, सरकार को, मंत्रियों को आदिवासियों के बीच आना चाहिए था, आदिवासियों की समस्याओं के बारे में जानना चाहिए था, लेकिन एक भी मंत्री कहीं भी आदिवासी दिवस नहीं मना रहा। रोत ने तंज भी कसा, कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि इस इलाके में माहौल बिगड़ गया है, अब समाज जाग गया है, अपने हकों के लिए लड़ने को तैयार है, तो आपको लगता है कि माहौल खराब हो गया। कुछ लोग आदिवासी का सर्टिफिकेट लगाकर बड़े अफसर, नेता, मंत्री बन गए हैं, कहते हैं कि आपने हमें कार्यक्रम के लिए निमंत्रण नहीं दिया। हमने कहा कि यहां शादी का कार्यक्रम नहीं है, यह दिवस यूएनओ ने घोषित किया है या किसी एक व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं, इसे सफल बनाना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने ये भी कहा कि आज राजकीय अवकाश है, हमारे कई भाई जो कर्मचारी हैं वे घर जाकर सो रहे हैं। अगर हमारे पुरखों ने काम नहीं किया होता तो आदिवासी दिवस की छुट्टी न हुई होती। हमने 2015 से 18 तक संघर्ष न किया होता तो आज आप कोई फाइन निपटा रहे होते, बॉस की डांट खा रहे होते। हम कुदरत बचाने लड़ रहे हैं, ये बचा तो सबका फायदा होगा, सब जिंदा रहेंगे। कई प्रोजेक्ट के माध्यम से, जैसे हमारे पावर प्लांट दानपुर वाला, टाइगर प्रोजेक्ट, सोने की खदान, इस तरह के कई प्रोजेक्ट के माध्यम से पिछले 5 साल के अंदर 4.5 लाख आदिवासियों को विस्थापित किया गया इस देश के अंदर। 2016 में खुला बोला था बिल प्रदेश बनना चाहिए, लेकिन आज पर्ची मंत्री बने हुए हैं टीएडी के, उनको पर्ची पकड़ाई जाती है, कब कौन सी मर्जी पकड़ाई जाए और कब क्या बोलते हैं उनको नहीं पता। हमें उनसे नहीं लड़ना है, उनकी आदतों से लड़ना है, उनके विचारों से लड़ना है। तो दोस्तों, खास मुद्दे की बात और उन लोगों के काम की बात जो बनना चाहते हैं सोशल मीडिया यानी YouTube और Instagram पर एक बड़ा इन्फ्लुएंसर और महीने के हजारों लाखों कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेबाक राजस्थान एसके क्रिएटर्स के साथ में लेकर वो चीज आए हैं, यानी कि मास्टर क्लास कोर्स लेकर आए हैं जो आपको बनाएगा Instagram और YouTube का बादशाह। आप YouTube के चैनल पर 0 से लाखों सब्सक्राइबर और Instagram पर भी 0 से लाखों
लाखों फॉलोअर्स कैसे बनाने हैं, कैसे बनेंगे, यूट्यूब चैनल बनाने से लेकर लाखों सब्सक्राइबर गेन करने तक हर छोटी से छोटी जानकारी इस मास्टर क्लास के अंदर आपको सिखाई जाएगी। सब कुछ सिखाएंगे। 2 महीने की ये मास्टर क्लास है, हर हफ्ते 5 क्लास होंगी। आप बन सकते हैं जीरो से हीरो। हर वो टेक्निकल नॉलेज जिसके बूते पर आप अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, नीचे लिखे नंबर पर कॉन्टेक्ट करो और अपनी सीट बुक करवा लो, क्योंकि बहुत सीमित सीटें हैं। बाकी फीस कितनी है, आपको और क्या क्या जरूरी जानकारी चाहिए, वो सब कुछ आप इस नंबर पर पूछ सकते हो। आरएनटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहां आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लेबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद एआई टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, BEd, BA, BEd, BSc, BEd, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है RNT एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें RNT एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।